हेलो फ्रेंड्स, मैं शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डॉक्टर चेस्ट एक्सरे लेते समय PFU को ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं एज़ कम्पेयर टू APU, यानी कि पोस्टीरियो एंटीरियर व्यू को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू एंटीरियो पोस्टीरियर व्यू। तो इसका क्या कारण होता है, तो इसका ही आंसर आपको इस वीडियो में देंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, चेस्ट एक्सरे की क्वालिटी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा कि जब चेस्ट एक्सरे की पुअर क्वालिटी होगी तो वो उस तरीके से मिमिक करेगा कि आपको एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। तो दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेस्ट एक्सरे को आपकी गुड क्वालिटी का चेस्ट एक्सरे होना चाहिए। गुड क्वालिटी मतलब कि आपको चेस्ट एक्सरे में आपको पूरा आपकी जो थोरेसिक कैविटी है वो नज़र आए, जिसमें आपकी फर्स्ट रिब से आपकी जो लेटरल रिब्स हैं, रिब्स का जो लेटरल साइड है वो आपको नज़र आना चाहिए, कॉस्टोफ्रेनिक एंगल आपको नज़र आनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्यों चेस्ट एक्सरे में PFU को प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू APU। दोस्तों, जो एंटीरियो पोस्टीरियर व्यू होता है वो पुअर क्वालिटी इमेज प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू PFU। क्यों ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, जब एंटीरियो पोस्टीरियर व्यू जब प्रोजेक्शन जब आप लेते हैं एक्सरे में, तो होता क्या है कि जो आपके स्कैपुला हैं वो आपके दोनों लंग्स के ऊपर प्रोजेक्ट हो रहे होते हैं, जिससे आपको एक ब्लर्ड इमेज नज़र आती है। तो दोस्तों, पहला कारण ये होता है APU का कि उसमें क्या होता है कि जो दोनों आपके स्कैपुला होते हैं वो फुल्ली रिट्रैक्टेड नहीं होते हैं और वो आपके लंग्स पर प्रोजेक्ट हो रहे होते हैं, जिससे आपको ब्लर्ड इमेज नज़र आती है। दूसरा कारण ये होता है कि डॉक्टर आपको क्यों प्रेफर करते हैं PFU को, उसका दूसरा कारण ये है कि जो आपकी हार्ट की साइज़ है वो APU में एग्जैगरेटेड होकर नज़र आती है, यानी कि आपका हार्ट नॉर्मल साइज़ से कुछ ज़्यादा ही बड़ा हुआ नज़र आता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर आप बीम उसके सामने से डालेंगे तो वो आपको एकदम बड़ा नज़र आएगा। तो दोस्तों, यही दो कारण होते हैं जिसकी वजह से डॉक्टर प्रिफर करते हैं PFU को एज़ कम्पेयर टू APU, क्योंकि जो आपका कार्डियोथोरेसिक रेशियो होता है वो APU के अंदर अराउंड 50% होता है, और जब आप कंपेयर करते हो PFU से तो वो बहुत कम होता है, 50% से भी बहुत कम होता है PFU के अंदर। तो दोस्तों, ये दो कारण होते हैं जिसकी वजह से डॉक्टर PFU को प्रेफर करते हैं APU के कंपैरिजन में, क्योंकि उससे अच्छी इमेज आपको नहीं मिल पाती चेस्ट एक्सरे में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको समझाया चेस्ट एक्सरे में PFU और APU के बारे में कि कौन सा व्यू आपको गुड क्वालिटी देता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।